संत चतुर्दश व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अनंत चतुर्दश व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। दुर्योधन जब द्रौपदी माया महल में आए थे, भरा हुआ था जल जोरा हम देख न पाए थे। गिर गए जो पानी में द्रौपदी ने कर दिया उपहास, अंधे का पुत्र अंधा उन्हें चुभ गई है ये तो बात। अपने इस अपमान का बदला लेना चाहा है, धुत क्रीड़ा के लिए पांडवों को बुलवाया है। मामा शकुनी ने है फिर तो ऐसी चाल चली, हार गए पांडव जुए में अपना सब कुछ ही। अंतिम चाल में द्रौपदी को भी हार ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। दुःशासन उन्हें केश पकड़ कर खींच के लाया है, भरी सभा में चीर हरण फिर करना चाहा है। श्री कृष्णा ने आकर है द्रौपदी की लाज बचाई, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने उन्हें बना लिया भाई। चाल में अपनी सफल हुआ ना पर यह दुर्योधन, झुलस रहा बदले की आग में वो तो मन ही मन। 12 वर्ष के लिए है वन पांडवों को भिजवाया, और अज्ञातवास भी 1 बरस है दिलवाया। लाक्षागृह से भी बच कर वो निकल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। अज्ञातवास भी पांडव सब तो कर रहे वेश बदल के, होते थे कभी राजकुमार जो आज बन गए नौकर। द्रौपदी भी तो रानी से आज दासी बन गई है, पांडवों के दुखों का किंतु होता अंत नहीं है। युधिष्ठिर एक दिन श्री कृष्णा के पास में आते हैं, इतने कष्ट क्यों हो रहे हमको जानना चाहते हैं। बोले कृष्णा जुए में है बुद्धि भ्रष्ट हुई, इस कारण माता लक्ष्मी भी तुमसे रुष्ट हुई। हो
कुछ समाधान युधिष्ठिर जान न चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। फिर तो युधिष्ठिर को श्री कृष्ण रहे हैं बतलाए, अनंत चतुर्दशी एकादशी का व्रत किया जाए। भादो मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी आती है, अनंत चतुर्दशी एकादशी वो बोली जाती है। श्री विष्णु भगवान लिए हैं तभी अनंतों तार, उस दिन से ही माना जाता ये पावन त्योहार। अनंत चतुर्दशी व्रत की प्रथा जो भी निभाते हैं, खुशहाली के लिए फिर से वापस आ जाते हैं। श्री विष्णु भगवान का इस दिन ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है, महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है, महाभारत काली। लगे पूछने उनसे युधिष्ठिर क्या है व्रत की प्रथा, क्या इसके पीछे भी कृष्णा है प्राचीन कथा। कैसे व्रत किया जाएगा आप ही हमें बताएं, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा भी हमको आप सुनाएं। श्री कृष्णा बोले युधिष्ठिर सुनो लगा कर ध्यान, अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का अब हम करें बखान। अनंत रूप जो होता है श्री हरि विष्णु का, इस व्रत में की जाती है बस उनकी ही पूजा। है प्राचीन कथा इसकी वो भी बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है, महाभारत काली। ये कथा बड़ी प्राचीन है, महाभारत काली। अपने धर्म का पालन वो तो निष्ठा से करता था, वेद शास्त्रों का ब्राह्मण को पूरा पूरा ज्ञान। अपने समय का वो ब्राह्मण तो बड़ा ही है धनवान, वेद शास्त्रों की देता था सबको ही शिक्षा। एक धर्म पत्नी है उसकी जिसका नाम दीक्षा, जन्म एक कन्या का फिर तो उसके घर में हुआ। पति पत्नी ने नाम सुशीला उस कन्या को दिया, आकर के संतान वो दोनों खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। Oh,
मृत्यु हो गई। पालन पोषण पुत्री का तो सुमंत नहीं कर पाए, कर्कश नाम की स्त्री को वो पत्नी बना कर लाए। पर न सुशीला से वो करती दीक्षा जैसा प्यार, सौतेली माता है उसकी करती अत्याचार। सोच रहे हैं सुमंत विवाह जो पुत्री का हो जाए, तब ही अत्याचार से पुत्री मेरी बच पाए। कौंडिन्य नामक ऋषि से उसका ब्याह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। समय विदाई का जैसे ही पुत्री का आया, दे दो कुछ उपहार सुमंत ने पत्नी को बतलाया। किंतु पुत्री सुशीला से बड़ा द्वेष वो करती है, उपहारों के बदले ईंट और पत्थर भरती है। ऋषि कौंडिन्य विदा करा के पत्नी को ले आए, माता ने उपहार दिए थे उनको भी लाए। लगने लगा है ऋषि कौंडिन्य को उनमें बड़ा ही भार, लगे खोल के देखने कैसे कैसे है उपहार। देख के ईंट पत्थरों को क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। मन ही मन ऋषि कौंडिन्य को क्रोध तो आया है, उन्होंने पत्नी सुशीला को पर ना दर्शाया है। चलते चलते रास्ते में ही है अंधकार हुआ, नदी किनारे करने लगे हैं पति पत्नी संध्या। पत्नी सुशीला जैसे नदी के तट पर आई, महिलाएं पूजा करती देती दिखाई है। किसकी पूजा कर रही हो ये पूछने लगी सुशीला, अनंत चतुर्दश व्रत पूजन है बोली एक महिला। इससे प्रसन्न खुद विष्णु भगवान भी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली, ये कथा बड़ी प्राचीन है महाभारत काली। सुशीला इस व्रत की क्या महत्ता है, एक वृद्धा नारी ने उसको सब कुछ दिया बता है। इस व्रत के करने का प्रण जैसे ही किया जाए, 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधा जाए। 14 व्रत पूरा होने पर हो
सोना अपने पति के पास गई है आ। हाथ में क्या बधा है पति ये पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री है
हर विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा बड़ी प्राचीन पा गए। कथा युधिष्ठिर को कृष्णा ने जो बतलाई है, व्रत की प्रथा सभी पांडवों ने भी निभाई है। तभी युद्ध में सभी कौरवों को भी हराया है, अनंत चतुर्दशी व्रत का फल पांडवों ने पाया है। पाल ने अनंत चतुर्दशी व्रत कथा गाई, जो विल्सन ने फौजी सुरेश से कहकर लिखवाई। सुनने वाले कथा को व्रत का ही फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनंत रूप में श्री हरि विष्णु को ही मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।